इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम पेपर वन स्टिल लाइफ पदार्थ चित्र या मैन मेड ऑब्जेक्ट भी हम बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड 9 to 12 स्टैंडर्ड के बच्चे देते हैं ये एग्ज़ाम। माध्यमिक ड्राइंग एग्ज़ाम भी इसे बोलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली आपके सामने चीज़ें रखी गई होगी, मैन मेड ऑब्जेक्ट और कोई एक लाइव चीज़, जैसे कोई फ्रूट हो सकता है, कोई सब्जी हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैं अभी मेमोरी ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। आई ड्रॉ वन वाटर बॉटल एंड वन ऑरेंज एंड वन मग, कॉफी मग। फर्स्ट आई ड्रॉ ओनली शेप, फिर बाद में हम इसको ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने रेक्टेंगल्स बनाए हैं फॉर बॉटल के लिए एंड फॉर मग के लिए एंड सर्कल फॉर ऑरेंज। ड्राइंग एग्जाम में आपके सामने ये चीज़ें रखी होगी, आपको अपनी जगह से जैसा व्यू दिख रहा है वैसा ही उसको ड्राइंग बनाना होता है, लाइव ड्राइंग बनाना होता है। यहाँ पे बॉटल के लिए आई ड्रॉ वन सेंटर लाइन, वन साइड जो ड्राइंग बनेगा उसका ऑपोजिट साइड वैसा ही ड्राइंग बनाना है। और हियर आई ड्रॉ वन वाटर बॉटल, तो यहाँ पे हमारा ड्राइंग रेडी हो गया है। और जो भी एक्स्ट्रा लाइंस थी रफ्त लाइन उससे मिटा देंगे और पूरे ड्राइंग को बिल्कुल लाइट लाइट कर देंगे इरेजर की हेल्प से। फिर उसके बाद इसमें शेडिंग करेंगे। मैं यहाँ पे आपको अलग अलग शेडिंग टेक्निक दिखाऊंगा, जैसे स्क्रबलिंग, हैचिंग एंड स्मूथ शेडिंग। यहाँ पे लेफ्ट साइड देखिए कुछ शेडिंग टेक्निक का फोटो आपको दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ से मैं लाइट का डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, मतलब इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें शेडिंग दिखाना है। समझ में आ गया? ध्यान से देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिस डायरेक्शन में लाइट जाएगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शेड होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसके बीच में आ जाता है। तो इस डायरेक्शन में हमें शेडिंग करना है। तो जो ए वाले डायरेक्शन में जो पहली चीज़ हिट होती है, जहाँ पे हमारी सन रेज टकराती है वो एरिया लाइट होगा, उसके बाजू वाला एरिया मिडल टोन और उसके लास्ट वाला डार्क टोन। मैं ऑरेंज में स्क्रबलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, राउंड एंड राउंड। पहले बहुत ज़्यादा जगह छोड़ के करनी है, फिर धीरे धीरे उस जगह को कम करते जाना है। और आप इसके लिए अलग अलग पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं अभी 2B पेंसिल से कर रहा हूँ। इसके बाद डार्क करने के लिए 4B या 6B भी ले सकते हो आप। ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। और मैं यहाँ पूरा ड्राइंग एक ही शेडिंग मेथड से नहीं करने वाला हूँ, पर आप जब एग्ज़ाम दोगे तो अभी पूरा शेडिंग एक ही मेथड से करना है। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ कि किस किस टाइप के या डिफरेंट टाइप के शेडिंग्स होते हैं। इसमें पहला वाला मैं स्क्रबलिंग करके दिखा रहा हूँ इधर, इसके बाद मैं क्रॉस हैचिंग करूँगा
हमारी वाटर बॉटल में। Now it's time to do shading in our water bottle, starting with cap. पहले हमने lines बनाई, फिर second time जो line बनती है वो दो line के बीच में बनानी है, और वो बहुत आगे तक नहीं, आधे portion तक बनानी है। फिर third वाली जो line होगी वो वापिस सबके बीच में बनानी है, जो पहले दो line करी थी उसके भी बीच में, ताकि वो डेप्थ दिखाई दे। और अकॉर्डिंग टू शेप कभी कभी थोड़ी लाइंस को थोड़ा बेंड भी करना पड़ता है, तो हम कर सकते हैं। ओवरऑल हमारा ड्राइंग अच्छा दिखना चाहिए। जैसे मैंने थोड़ी सी लाइन को थोड़ा बेंड करा हुआ है, आई एम नॉट ड्रॉ टोटली स्लेंट लाइन। डार्क एरिया जहाँ दिखाना है, मतलब 50% तो हमें लाइट और मिडल टोन में कवर करना है, और 50% डार्क एरिया में कवर करना है। Thank you.
Now it's time to do shading in our mug. Here we are going to do smooth shading. मतलब थोड़ा सा लाइट लाइट शेडिंग करके हमें उसको कॉटन की मदद से या फिर ईयरबड्स की मदद से या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प्स की मदद से उसको स्मूथ करेंगे. जैसे कि वन साइड आई डू डार्क शेडिंग लाइक दिस वे, देन विथ कॉटन और विथ ब्लेंडिंग टूल, ब्लेंडिंग स्टम्प भी उसे बोलते हैं, उसकी मदद से मैं इसको मर्ज करूंगा, स्मूथ कर दूंगा. Thank you.
नाउ हमारा शेडिंग वर्क ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब हम हमारा जो लाइट एरिया है उसको अच्छा दिखाने के लिए मैं बैकग्राउंड वो वाले एरिया का डार्क करूँगा ताकि वो वाला पोर्शन अच्छे से विजिबल हो, अच्छे से दिखाई देगा, एम्बोज होगा। और जिस जगह पे डार्क शेड है हमारे ऑब्जेक्ट में, वहाँ पे हमें लाइट शेड दिखाना है ताकि वो भी एक एम्बोज हो जाए। अब ध्यान से देखो कैसे करते हैं ये चीज़, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट में शेडिंग कर लिया और बाकी जगह छोड़ देते हैं, बट बैकग्राउंड भी इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप बैकग्राउंड में अच्छे से शेड करोगे उससे ही हमारा ऑब्जेक्ट अच्छा दिखेगा। अभी मैं उसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ पीछे का बैकग्राउंड, एंड विथ हेल्प ऑफ कॉटन मैं इसको मर्ज कर दूंगा, फिर ये एक अच्छा सा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से दिखाई देंगे। इसमें आप डार्क पेंसिल यूज कर सकते हो, लाइक 8B, 6B या 10B। सो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ऑब्जेक्ट अच्छे से दिख रहा है, लाइट वाला जो एरिया है वो। अब मैं जहाँ हमें लाइट दिखानी है ज़्यादा ताकि वो डार्क वाला शेड अच्छे से हो, इसलिए मैं बैकग्राउंड का टॉप एरिया जो है ऊपर वाला उसे मैं डार्क करूँगा और नीचे आते हुए एकदम लाइट कर देंगे, तो उससे एक डेप्थ क्रिएट होगा और वो वाला एरिया और भी अच्छा दिखेगा। आप खुद देखो, आपको भी बहुत पसंद आएगा। सो ये ड्राइंग अब कंप्लीट हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट बनेगा जो होगा इसका क्रिएटिव। ध्यान से देखे और समझे। सो यहाँ पे अभी हम जो हमने स्टिल लाइफ ड्राइंग बनाया वही सेम ड्राइंग का यहाँ पे क्रिएटिव ड्राइंग बनाना है। क्रिएटिव मतलब रचनात्मक, डेकोरेटिव ड्राइंग। यहाँ पे मैं जो हमारी वाटर बॉटल थी उसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगा क्रिएटिव स्टाइल में। मैंने हाफ पोर्शन ऊपर और हाफ पोर्शन नीचे बनाया है। आई कट दिस वाटर बॉटल लाइक दिस वे। नाउ हियर आई ड्रॉ वन आवर मग।
एंड ओनली वन। और आप देख रहे हो मैंने उससे थोड़ा अपना जो वाटर बॉटल बनाई थी उसके ऊपर ओवरलैप किया है। नाउ हियर जो हमारा ऑरेंज था उसे मैं बना रहा हूँ ओवरलैप होते हुए। आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक दो बड़ा छोटा भी बना सकते हो क्योंकि ये क्रिएटिव ड्राइंग है। ठीक है, अब मैं थोड़ा लाइन स्ट्रेट बना लेता हूँ विथ हेल्प ऑफ स्केल और थोड़ा सा डार्क भी कर लेंगे लेटर ऑन। ठीक है, ध्यान से देखो और फॉलो करो। Now drawing is almost complete. Now it's time to draw background. I draw this line and I separate this area. I draw multiple lines. Half side I draw straight line और बाकी का half portion होगा जहाँ पे मैं waves line करूँगा। Okay, I draw waves line here. जो object के अंदर से मैंने बनाई, ऊपर वाले में मैं ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनाया। आप कोई भी एक स्टाइल कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसे दो स्टाइल करनी है। ठीक है, नाउ अब इसके ऊपर अब स्केच पेन से आउटलाइन दे देता है। एक्चुअली स्केच पेन से आउटलाइन लेटर ऑन देनी चाहिए क्योंकि स्केच पेन पे अगर वाटर लगेगा तो स्प्रेड होगा, बट अगर आप ध्यान से करोगे तो पहले कर सकते हो। ठीक है, तो पहले स्केच पेन से आउटलाइन करेंगे, फिर कलर कैसे करना है वो मैं आपको साथ साथ में समझाता जाऊंगा। सो यहाँ पे अभी हमारा ड्राइंग कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कलर करेंगे। और कलर हमें पोस्टर कलर लेने हैं, मतलब आप ट्यूब कलर्स भी ले सकते हो पर मैंने यहाँ पे पोस्टर कलर ले रहा हूँ। मैं दो कलर यूज़ करूँगा, बैकग्राउंड में दो कलर और इनसाइड दी शेप
जैसे यहाँ पे येलो कलर ले रहा हूँ, जो मैंने ब्लैक आउटलाइन बनाई थी उसके साइड में बिसाइड आई लीव वाइट थिन लाइन। और यही मेथड होगा आज का कलरिंग का, हर जगह पे ऐसे कलर करना है, जो भी ब्लैक लाइन दिख रही है उसके आजू बाजू वाइट लाइन छोड़नी है, ऊपर नीचे अंदर बाहर, ठीक है। तो पहले बैकग्राउंड में मैं येलो कलर और रेड कलर का कॉम्बिनेशन से कलर करूँगा और हर जगह पे हमें वाइट लाइन छोड़नी है, वो नहीं भूलना है। यहाँ पे वीडियो में शायद अच्छे से नहीं दिखाई देगा येलो कलर वाला, पर जब हम रेड कलर करेंगे या कोई डार्क कलर करेंगे तो अच्छे से दिखेगा। तो ध्यान से देखें और फॉलो करें, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ट्राई करें। ज़रूरी नहीं है आप येलो कलर लीजिए, बट जो भी करें अच्छे से करें, ठीक है। ध्यान से देखो, नाउ इट्स टाइम टू फील रेड कलर, येलो कलर वर्क इज डन। हियर वॉच केयरफुली, सी नाउ यू कैन सी दैट वाइट बोल्ड लाइन क्लियर इज सीन। अच्छे से दिख रही है आपको वाइट लाइन? ठीक है, तो अच्छे से लाइन दिख रही है, वैसा ही हमें अच्छे से उसको जहाँ तक हो सके हर जगह पे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो वैसे अब रेड कलर फिनिश करो, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा कलर करना है वो पहले से डिसाइड करके रखो। जैसे मैंने डिसाइड करके रखा है, मैं ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रीन कलर और ब्लू कलर करूँगा, ठीक है। ध्यान से देखो और फॉलो करो।
Now background drawing is completed. Now it's time to fill color inside the shape. Like I said earlier, I am going to use green color and blue color. So first I take green color. पहले मैं ग्रीन कलर से करूँगा. मैं ओनली दो कलर यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, आप तीन कलर भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे दो कलर ज़्यादा सूटेबल लगता है, इसलिए मैं दो कलर का यूज़ करता हूँ. सम टाइम डिज़ाइन में ज़रूरत पड़ जाती है तो थर्ड कलर यूज़ भी कर सकते हैं, पर ज़रूरत पड़ने पर मैं यूज़ करता हूँ. ऐसे ही हमें ग्रीन कलर करते रहना है. Now it's time to fill blue color. I am using here Persian blue color, very dark blue color it's called. और इसको अच्छे से पैलेट में मिक्स करके करें, अदरवाइज इसमें पेचेस पड़ जाते हैं, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट ऐसा दिखेगा. ठीक है, ध्यान से देखे और कलर करें. Now it's time to do some texture. For texture हमारा ये कलर ड्राई हो जाना चाहिए, तो ड्राई हो चुका है. Now मैं ब्लू एरिया में वाइट कलर पेंसिल से या वाइट कलर जेल पेन या वाइट कलर विथ ब्रश आप इसके ऊपर टेक्सचर कर सकते हो, जैसे मैं अभी पेन से कर रहा हूँ. ज़रूरी नहीं है कि आप यही कलर लो, पर जो कलर अच्छा लगता है वो आपको पता होना चाहिए. अब मैं ग्रीन वाले एरिया में कोई कलर नहीं करूँगा क्योंकि ग्रीन कलर एरिया बहुत छोटा है.
सो आवर ड्राइंग इज़ कम्प्लीट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.